देखिए 1.7 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक व्हाई नॉट, पहला पार्ट। फिर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, यानी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जरा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो कहते हैं कि मतलब ये फील्ड कहीं पर सडन ब्रेक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसको समझाने के लिए आपसे कहा है कि भाई समझाओ क्यों नहीं होता है। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट, फोर्स लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या, वो फोर्स लाइंस है जो किसी उस फील्ड के अंदर कोई भी अगर टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से, ई प्रोपोर्शनेट आर। तो ये भी जानते हैं कि एस आर इंक्रीजेस ई डिक्रीज होगा। अभी कह रहे आपसे कहा गया कि सडन ब्रेक क्यों नहीं होता, ये सडन ब्रेक कब होगा जाकर के भाई, ई जीरो कब होगा, जब आर की वैल्यू विन ना गंदी रेटिंग क्या कुछ जल्दी लिख डालते हैं क्या बताएं, तो वेन आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी, तब जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि एज आर इंक्रीजेस ई डिक्रीजेस बट ई विल बिकम, वही उन्होंने क्या कहा कि भाई सडन ब्रेक क्यों नहीं होता है, सडन ब्रेक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ये तो आपसे कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी भी हमारे तव भी नहीं पहुंच पाएंगे तो हमको ब्रेक दिखेगा ही नहीं। तो वही ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट थ्रू आउट द रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू आउट द रीजन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं, जैसे जैसे आर इंक्रीज होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से डिक्रीज होती हैं, और जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तब जाके जीरो होती है, यानी ये कंटीन्यूअस कर्व होता है, इसलिए इसमें सडन ब्रेक नहीं होता। सडन ब्रेक नहीं होगा, जीरो कब होगा, जब इन्फिनिटी में पहुंचेंगे। ठीक है, पहला पार्ट ये कह रहे हैं। फिर आपसे कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्यों नहीं करती भाई, अरे नहीं करती, उनकी मर्जी। देखिए एक्चुअली में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान ले कहीं ये क्रॉस कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियली हो जाएगी, उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और हम जानते हैं उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, वो दो डायरेक्शन में किसी पॉइंट से ब्रेक नहीं हो सकती। तो वही ये कह रहे हैं कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर वुड बी टू टेंजेंट एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब आप कहेंगे डायरेक्शन तो हर तरफ होती है लेकिन भैया किसी पॉइंट पर दो तरफ थोड़ी होती है, ये वहां जाके ब्रेक हो जाए, किसी पॉइंट पर वो दो भागों में नहीं ब्रेक होती है किसी पॉइंट पर। ठीक है, चार्ज से निकलेगी हर डायरेक्शन में, लेकिन रास्ते में जाकर के वो दो भागों में ब्रेक नहीं होती है। तो अगर हम उसको ब्रेक इंटरसेक्ट करा देंगे तो जहां इंटरसेक्ट कराएंगे उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसके दो भाग हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। देखो जो भी हम पढ़ते हैं ना वो हम एक्सपेरिमेंटली देख लिया, हम देखते एक्सपेरिमेंटली उसको, ऐसा होता है बोले दो हो जाए तो, अरे भाई हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। साइंस आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाती है, साइंस जो यूनिवर्स में हैपनिंग हो रही है, जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें समझा देती है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1.7 है जो थ्योरेटिकल है। ठीक है।